वेलकम टू द आशिमाश शो। कोरोना वायरस अभी कोई ऐसे संकेत नहीं दिखा रहा कि वो जल्दी थमने में आएगा। ऐसे में भारत और पूरी दुनिया में हम सब चिंतित हैं बहुत से इम्पोर्टेंट और अनअवॉइडेबल क्वेश्चंस को लेकर। जैसे कि बहुत से लोगों के मन में सवाल होगा कि उन्हें और उनके परिवार को संक्रमित होने पर क्या करना है, कहाँ जाना है। तो इस वीडियो में मैं आपके इन्हीं क्वेश्चंस का हल करूंगी। आपको बता दूं कि अभी भी हमारे पास कोरोना वायरस को टेस्ट करने की कोई रेडिली अवेलेबल टेस्ट किट उपलब्ध नहीं है। इसके संक्रमण को जांचने के लिए कुछ टेस्ट हैं जो लैब में किए जाते हैं, तो आज आपको उन सभी टेस्ट के बारे में पता लग जाएगा और इंडिया के लैब संबंधित जो भी जानकारी आपको होनी चाहिए वो भी मैं आपको बताऊंगी, ताकि जैसे अभी दिल्ली के सफदरजंग हॉस्पिटल में जो हादसा हुआ वो ना हो। एक कोरोना वायरस के सस्पेक्ट ने कोरोना वायरस से डर कर जानकारी के अभाव में हॉस्पिटल के 7th फ्लोर से जम कर सुसाइड कर लिया। ऐसी जानकारी के अभाव में आप ना रहें और आप इस वायरस के नाम से डरे नहीं, बस सचेत रहें। पर उससे पहले प्लीज आप मेरे चैनल को ट्रस्टेड एंड वेरीफाइड इन्फॉर्मेशन के लिए जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि आपको कोरोना वायरस का टेस्ट करवाना कब है। गाइस, आपको टेस्ट के लिए तभी जाना है अगर पहला, आपको कोरोना वायरस के सिम्टम्स महसूस हो रहे हो। दूसरा, हाल ही में आपने दुनिया के उन हिस्सों की यात्रा की हो जहां इस वायरस का संक्रमण अधिक है। तीसरा, अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति के कॉन्टैक्ट में आए हैं जिसने उस संक्रमित देशों में ट्रैवल किया हो। या चौथा, अगर आपको लगता है कि आप पिछले 14 दिनों में किसी ऐसे व्यक्ति के कॉन्टैक्ट में आए हैं जो पॉजिटिव टेस्ट हुआ हो। अब बताती हूँ कि कोरोना वायरस का टेस्ट कहाँ होता है। कोरोना वायरस का टेस्ट सिर्फ स्पेशलाइज्ड लैब्स में किया जा सकता है जो ऐसा करने के लिए प्रमाणित है, यानी कि सर्टिफाइड है। अभी के लिए सिर्फ सरकारी लैब्स को ही कोरोना के टेस्ट करने की अनुमति है, लेकिन कोरोना की जंग से जल्दी निपटना है तो टेस्टिंग की फैसिलिटी को बढ़ाना जरूरी है। इसको देखते हुए अब सरकार कोशिश में है कि प्राइवेट लैब्स में भी ये सुविधा मिल सके। अब बात करते हैं कि कोरोना वायरस का टेस्ट कैसे होता है। डॉक्टर्स की तरह बात नहीं करूंगी, सिंपल भाषा में बताऊंगी टेस्ट के बारे में। सबसे पहले आप ये जान लें कि इसके टेस्ट की 2 स्टेजेस होती है, प्रीलिम्स यानी कि प्राइमरी स्टेज और फाइनल्स यानी कि सेकेंडरी स्टेज। प्राइमरी टेस्ट में एक हेल्थ प्रोफेशनल मरीज के नाक या गले या फिर दोनों से लार या बलगम के सैंपल्स कलेक्ट करता है। इन सैंपल्स को निकालने के लिए उनके पास किट मौजूद होती है, क्योंकि ये रेस्पिरेटरी डिजीज है तो इन्फेक्शन सबसे पहले नाक और गले को अटैक करता है। तो इन सैंपल से न्यूक्लिक एसिड निकाला जाता है और आगे टेस्टिंग के लिए भेजा जाता है। अगर इस प्राइमरी टेस्ट में उस रोगी की पुष्टि हो जाती है तो उसके सैंपल्स की दोबारा सेकेंडरी टेस्टिंग की जाती है। सेकेंडरी टेस्टिंग फाइनल टेस्टिंग होती है जो NIV की लैब यानी कि सेकेंडरी लैब जो पूना में है उसमें की जाती है। अगर उसका नतीजा भी पॉजिटिव आता है तो मतलब मरीज कोरोना वायरस से संक्रमित है। इसी इन्फॉर्मेशन से हेल्थ मिनिस्ट्री किसी व्यक्ति के संक्रमित होने की घोषणा करती है और तभी ये केस WHO की लिस्ट में ऐड होते हैं। इसके बाद उस व्यक्ति को हॉस्पिटल में आइसोलेशन में रखा जाता है और तब तक इलाज किया जाता है जब तक वो ठीक ना हो जाए। अब देखते हैं कि इन टेस्टिंग्स में समय कितना लगता है। प्राइमरी टेस्टिंग में लगभग 2 से 4 घंटे लगते हैं। आगे लैब में जहां इनकी सेकेंडरी टेस्टिंग होती है वहां 3 से 4 घंटे लगते हैं, लेकिन इस प्रक्रिया में ज्यादा समय तब लगता है अगर जिस लैब में मरीज की टेस्टिंग की जा रही हो वहां सेकेंडरी टेस्टिंग की सुविधा ना हो, क्योंकि ऐसे में सैंपल्स को NIV या सेकेंडरी टेस्टिंग की सुविधा वाली किसी दूसरी लैब में भेजा जाता है, क्योंकि ट्रांसपोर्ट में टाइम तो लगता ही है। अब बात करते हैं कि इस कोरोना वायरस की टेस्टिंग में कितना खर्चा आता है। खर्च की बात करें तो कोरोना वायरस पेशेंट्स के लिए ये टेस्टिंग बिल्कुल फ्री है। अगर आपको इसकी जरूरत महसूस होती है तो आप बिल्कुल आराम से जाकर अपना टेस्ट करवा सकते हैं। सरकार इसका एक भी पैसा नहीं ले रही है। अब देखते हैं कि क्या बीमा यानी कि मेडिकल इंश्योरेंस कंपनीज इस बीमारी को कवर करती हैं। इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने 4 मार्च को सभी बीमा कंपनीज को क्लेम में कोरोना वायरस के इलाज के दौरान हॉस्पिटल में एडमिट होने और मेडिकल एक्सपेंसेस को कवर करने का निर्देश दिया है। ऐसे में आप जरूर थोड़ा सुरक्षित महसूस करेंगे। अब देखते हैं कि इंडिया में कितनी लैब्स में टेस्ट हो रहे हैं। इस समय कोरोना का टेस्ट 72 सरकारी लैब्स में किया जा रहा है जो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ICMR द्वारा संचालित है। इन 72 लैब की लिस्ट आपको ICMR की वेबसाइट पर देखने को मिल जाएगी।
इन लैब्स में अभी तक करीब 12,000 सैंपल्स टेस्ट किए जा चुके हैं, लेकिन जैसा कि मैंने बताया हेल्थ मिनिस्ट्री के अधिकारियों के मुताबिक करीब 60 और रिकॉग्नाइज्ड प्राइवेट लैब्स में जल्द ही टेस्टिंग की सुविधा मिल सकेगी। टेस्टिंग के स्केल को बढ़ाने के लिए ICMR ने 20 लाख और टेस्टिंग किट्स का ऑर्डर दिया है। अगर आपको टेस्ट करवाने की जरूरत पड़ती है तो स्टेट गवर्नमेंट द्वारा जारी हेल्पलाइन नंबर्स या फिर सेंट्रल हेल्पलाइन नंबर्स ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ पर आप कॉल कर सकते हैं, वो आपको नजदीकी सुविधा के बारे में बता देंगे। 1075 कोरोना वायरस के लिए हेल्थ मिनिस्ट्री का टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर है। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरे द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन हेल्पफुल रही होगी। अगर हाँ तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। और हाँ, अगर आप मेरे साथ इंस्टाग्राम पे कनेक्ट होना चाहते हैं तो वाई नॉट, आप मुझे इंस्टाग्राम हैंडल द आशिमा शो पर भी फॉलो कर सकते हैं। डायरेक्ट 1-to-1 कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। सी यू देयर। अपना और अपनों का ध्यान रखें। मिलते हैं मेरी अगली वीडियो में।